फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है इटालियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भी है। साथ में हमने बहुत सारे वेजिटेबल का यूज़ किया है। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं बताऊँगी कैसे बनाया है मैंने और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। पास्ता बनाने के लिए मैंने कैरेट, तो कैप्सिकम और गार्लिक और ऑनियन को मैंने यूज़ किया है, और ये मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, और ये मैंने पास्ता सॉस लिया है, और ये मैंने ऑरिगेनो लिया, ये मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। कढ़ाई में पानी डाल के और उसके अंदर मैं ऑयल और हाफ स्पून साल्ट ऐड करके उसको बॉयल करना है। जब उबाल आ जाए पानी में, तो अब उसके अंदर हमको मैक्रोनी को ऐड कर देना है। और ये फ्रेंड्स 10 मिनट्स में हो जाता है। मीडियम फ्लेम पे आप इसको बॉयल करें और बीच बीच में हिलाते रहें ताकि अच्छे से हो जाए। और बीच बीच में हम हिला लेंगे। देखिए, हमारी मैक्रोनी 10 मिनट्स लगभग हो गए हैं, तो मैं इस पर चेक कर लेती हूँ कि मेरा मैक्रोनी अच्छे से हो गया है कि नहीं। ज़्यादा देर नहीं करना है, नहीं तो गल सकता है। तो अभी हमारा बॉयल हो गया है और मैंने इसको छन्नी में छान लिया है, और इसको ठंडे पानी से हमको धो लेना होता है, नहीं तो ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल के गर्म करके अब मैंने इसके अंदर गार्लिक डाला है। तो गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर इसको ऐड करें। और अब मैं उसके अंदर चॉप किए हुए ऑनियन को ऐड कर दिया है, और इसके अंदर अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा साल्ट ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो ऑनियन है वो अच्छे से जल्दी से ब्राउन हो जाए। देखिए, मैंने साल्ट को ऐड कर दिया है, इससे ऑनियन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है और अच्छे से भुन जाती है। देखिए, भुन हो गई है हमारी ऑनियन। अब इसके अंदर मैंने कैप्सिकम को ऐड कर दिया है, और कैप्सिकम कैरेट ऐड करके इसको मिला के और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब इसको बीच में एक बार हम और हिला लेंगे, और इसको हिलाने के बाद फिर से हम जो अब मैंने जो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो लिया है उसको हमने ऐड कर दिया है, और इसके अंदर टोमेटो केचप 2 स्पून हम ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद इसके अंदर जो मैंने पास्ता सॉस लिया है उसको भी ऐड करेंगे इसके साथ। पहले इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ये मैंने 2 चम्मच लगभग हमें 2 चम्मच इसमें भी पास्ता सॉस को ऐड किया है मैंने, और इससे इसका फ्लेवर एकदम अलग आता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। अब इसके अंदर मैं 1/2 बाउल लगभग वाटर ऐड करूँगी ताकि इसका सॉस अच्छे से रेडी हो जाए और अच्छा सॉस हो जाए, ताकि हमारे जो पास्ते हैं मैक्रोनी उसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो सॉस हमारी लगभग रेडी हो गई है, एकदम देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अब इसके बाद सॉस रेडी होने के बाद इसके अंदर जो मैंने बॉयल मैक्रोनी रखा है उसके अंदर मैं ऐड करूँगी, और उसको ऐड करने के बाद फिर मैं अच्छे से हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद स्वाद के अनुसार हम साल्ट को ऐड कर देंगे, और एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे। देखिए, सॉस के अंदर एकदम अच्छे से मैक्रोनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, और अब इसको कवर करके और बीच बीच में 1-2 बार हिला लेंगे हम। तो अभी एक बार वापस से हम इसको ओपन करेंगे और वापस से देख लेंगे, और देखिए एकदम परफेक्ट हमारी मैक्रोनी पास्ता रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सर्व कर लेते हैं। तो अब मैंने ये मैक्रोनी पास्ता को प्लेट में सर्व कर रही हूँ इस तरह से, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनी है, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो पास्ता बिल्कुल रेडी है हमारा, और आप बिल्कुल एक बार इसको ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा, और बच्चों बड़ों सभी को फेवरेट है ये। तो ज़रूर आप बनाइए, और आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ज़रूर हमें बताएं। और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।